नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दीपेश गौर में। अगर आप भी अतिथि शिक्षक के लिए नवीन आवेदन फॉर्म डालना चाहते हैं और आपका स्कोर कार्ड जनरेट हुआ है, उसमें अगर कोई क्वालिफिकेशन ऐड करना है तो ये वीडियो आपके लिए है। किसी भी जनरेटेड स्कोर कार्ड में अगर आपको क्वालिफिकेशन ऐड करना है तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। एंड चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करें ताकि आप सभी को वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। जैसे कि आप सभी को पता है कि आपको स्कोर कार्ड देखने के लिए आपको सबसे पहले अपने GFMS पोर्टल पर लॉगिन करना होता है, तो चलिए हमने GFMS पोर्टल यहाँ पर ओपन कर लिया है। GFMS पोर्टल पर यहाँ पर हमने आ चुके हैं और यहाँ पर आपको साइड में दिख रहा होगा लॉगिन का ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे यहाँ पर आपको कुछ देर वेट कर लेना है। एंड यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड डाल देना है। जैसे कि आप सभी को पता है कि मेरा मोबाइल नंबर एंड पासवर्ड सेव है तो मैं एंड डायरेक्टली यहाँ पर लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि हमारा जो अनुभव प्रमाण पत्र का करने की, यहाँ पर सर्वप्रथम अपना अनुभव प्रमाण पत्र का दावा बना अनुभव प्रमाण पत्र का दावा बनाए हैं तो संपर्क में करें। और यहाँ पर पूर्व में संचालित सिस्टम की गेस्ट आईडी, जन्म तिथि और कार्यक्षण की जानकारी के लिए यहाँ से पता करें। तो यहाँ पर आपको चौथे नंबर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। पे आपने अगर पिछले सत्र में पढ़ाया है तो यहाँ से आप अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। या अगर आपने पिछले सत्र नहीं पढ़ा है और आपका स्कोर कार्ड जनरेट है और आपको उसमें क्वालिफिकेशन सेंड करनी है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके मोबाइल नंबर की साइड में 3 डॉट जो है वो दिख रहा होगा, एंड इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे, जैसे कि डैशबोर्ड होगा, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होगा, वैकेंसी हो गई। यहाँ पर आपको जो है वो जैसे ही आप अपनी आईडी लॉगिन करते हैं सबसे पहले यहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस शो होने लगेगा। सबसे पहले यहाँ पर आप ऊपर आएंगे तो यहाँ पर EKYC करने का ऑप्शन देखेगा। सबसे पहले आपने अभी तक अपनी EKYC नहीं की है तो सबसे पहले तो आपको दोस्तों यहाँ पर EKYC कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका अपडेट क्वालिफिकेशन का ऑप्शन है, इसमें आप क्वालिफिकेशन अपडेट करते हैं। जो भी क्वालिफिकेशन आपको ऐड करनी है वो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ही आप ऐड करेंगे तो जो आपका पुराना स्कोर कार्ड है वो रद्द कर दिया जाएगा एंड आपको जो नया स्कोर कार्ड और वो जनरेट होगा। जैसे कि यहाँ पर हमारे जो क्वालिफिकेशन ऐड की है, पोस्ट ग्रेजुएशन हमने किया है 2021-22 में, इसे जस्ट अभी हमने ऐड अगर हम करते हैं तो हमें इसको ऐड करने के बाद जो है वो रिक्वेस्ट हमें पास आवेदन फॉर्म होगा, उसका हमें प्रिंट एप्लीकेशन वाले पर ऑप्शन पर जाकर इसका एप्लीकेशन हमें प्रिंट कर लेना है यहाँ पर। ठीक है, इसे प्रिंट करने के बाद हमें जाना है पूरे डॉक्यूमेंट लेकर संकुल में। संकुल में जाकर हमें इसे वेरीफाई करवाना है। जैसे ही संकुल से ऑनलाइन वेरीफाई कर दिया जाएगा, पोर्टल पर चढ़ा दिया जाएगा, आपका जो है वो स्कोर कार्ड जनरेट होकर आप यहाँ पर डाउनलोड अपना स्कोर कार्ड यहाँ से कर सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से आप अपने स्कोर कार्ड में अपनी क्वालिफिकेशन को ऐड कर सकते हैं, अपना नया स्कोर कार्ड जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगे, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आपको स्कोर कार्ड से संबंधित कोई समस्या है तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, जहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं और हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।